हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंगोज़ का सीज़न एंड के तरफ है और मुझे डिज़र्ट में चीज़ केक बहुत पसंद है, तो मैंने आज मैंगो चीज़ केक बनाया है। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ अंडे को या जेलेटिन को, तो मैंने ये मैंगो चीज़ केक बेक्ड चीज़ केक बनाया है, बिना अंडे के बनाया है। ना कोई अगार अगार का यूज़ किया है, ना ही कोई जेलेटिन का यूज़ किया है। और टेक्स्चर आप देख सकते हो कितना स्मूथ है इस केक का। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, काफ़ी इजीली टेक हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे इस डिलीशियस एंड टेम्पटिंग मैंगो चीज़ केक को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको एक लूज़ बॉटम केक टिन चाहिए होगा। अगर आप चाहे तो स्प्रिंग फॉर्म केक टिन का भी यूज़ कर सकते हैं। केक टिन को हम थोड़े से बटर के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो हमें बटर से साइड्स और बेस को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इससे होगा ये कि जब आप चीज़ केक निकालोगे तो वो काफ़ी इजीली निकल जाएगा, या फिर जब आप डीमोल्ड करोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चीज़ केक का बेस रेडी करेंगे। तो बेस के लिए मैंने लिया है मैरी बिस्किट। तो ये एक 10 रुपये का पैक आता है मैरी का, मैंने उतनी ही बिस्किट ली है। एक पैकेट एनफ होगा। आप चाहो तो डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर सकते हो, आपको 8 से 10 डाइजेस्टिव बिस्किट लगेंगे। इसे हम दरदरा पीस लेंगे। अगर आप नहीं पीसना चाहते तो बेलन के हेल्प से आप कूट सकते हो। इसे एक बोल में निकाल लें और इसमें डालेंगे हम 50 ml मेल्टेड बटर। आपको 50 से 80 ml मेल्टेड बटर लग जाएगा। तो बटर और जो बिस्किट के चूरे के साथ अच्छे से मिक्स कर ले और इसे हम हमारे केक टिन में डालेंगे। ट्रांसफ़र कर ले इसे और इसे अच्छे से लेवल अप कर दे। चम्मच के पिछले हिस्से से थोड़ा सा लाइटली प्रेस करते हुए लेवल अप करें। तो ये हमारा बेस रेडी हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। तब तक हम हमारे चीज़ केक का बैटर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम क्रीम चीज़। ये क्रीम चीज़ मैंने घर पर ही बनाई है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्रीम चीज़ को हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए फेंट लेंगे, जब तक ये थोड़ी स्मूथ नहीं हो जाती। इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है। तो ये क्रीम चीज़ स्मूथ हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ml कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क भी मेरी होममेड कंडेंस मिल्क है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को तब तक ही मिक्स करना जब तक ये बस इनकॉर्पोरेट हो जाए। ज़्यादा अगर आप बीट कर दोगे तो आपकी चीज़ केक अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ के आम की प्यूरी और इसे भी हम मिला लेंगे। जस्ट इतना ही मिक्स करना है कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। तो ये आप देख सकते हो बैटर भी हमारा स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक नींबू का जेस्ट, यानी सिर्फ आपके छिलके के येलो वाले या ग्रीन वाले हिस्से को डालना है, वाइट वाले हिस्से को ना डालें, वरना आपका जो चीज़ केक थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे से हल्का सा एक मिक्स दे देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हैवी क्रीम। मैंने यहाँ पे 150 ml हैवी क्रीम का यूज़ किया है। अगर आपको हैवी क्रीम ना मिले तो आप व्हिपिंग क्रीम या फिर अमूल वाले डेरी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 teaspoon कॉर्नस्टार्च और 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए हम इसमें 2 बड़ा चम्मच दूध भी ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना क्रिएट हो। आप चाहो तो दूध में ही कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नस्टार्च मिक्स करके इसमें डायरेक्टली डाल सकते हो। तो ये हमारा चीज़ केक का बैटर रेडी है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी और मैंने इसे बिल्कुल भी ओवर बीट नहीं किया है। अगर आप इसे ज़्यादा बीट कर दोगे तो आपके चीज़ केक का टेक्स्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इतना स्मूथ नहीं होगा। तो आधे घंटे भी हो चुके हैं और हम हमारे केक टिन को निकाल लेंगे और बेस के ऊपर हम डालेंगे हमारा चीज़ केक का बैटर। थोड़ा सा टैप कर ले और इसे हम एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे और ट्रे में हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। अब हम इसे बेक करेंगे 160 डिग्री पे 1 घंटे के लिए इन अ प्री हीटेड ओवन। और पानी डालने से ये होगा कि हमारे चीज़ केक में क्रैक्स नहीं आएंगे। 1 घंटे के बाद मैंने चीज़ केक को निकाल लिया। आप देखोगे थोड़ा सा फूल गया है और ऊपर से जब सतह को आप टच करोगे तो वो आपके उंगलियों में नहीं टच होगा, लेकिन सेंटर में थोड़ा सा वॉबली होगा जब आप हिलाओगे। तो अब चीज़ केक को हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाने के बाद चीज़ केक को हम फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। हमें इसे 6 से 8 घंटे के लिए सेट करना है। चीज़ केक के ऊपर मैं थोड़ी सी मैंगो जेली बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने 100 ml मैंगो की प्यूरी ली हुई है और उसी में मैंने 50 ml पानी डाला है। 2 बड़ा चम्मच चीनी भी मैंने ऐड किया है और इसे अच्छे से मिलाकर हम कुक करेंगे। जब इसमें उबाले आने लगे अच्छे से, तब आप फ्लेम को लो करके इसे 5 मिनट के लिए कुक करें। अब हम लेंगे 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके एक स्लरी बना लेंगे और इस स्लरी को हम डालेंगे हमारे मैंगो प्यूरी में और इसे अच्छे से मिक्स कर ले जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो स्लरी डालने के बाद आपको 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए, और आप देखोगे ये थिक होने लगी है। तो 8 घंटे के बाद चीज़ केक हमारा सेट हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारी जेली, तो ये हमारा जेली का मिक्स भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। 1 घंटा हो जाने के बाद इसे फ्रिज में और 2 घंटे के लिए रखें और फिर हम इसे निकाल लेंगे। चीज़ केक को निकालने के लिए आप चाकू को हल्के गर्म पानी में डिप करके इसके एजेस को एक बार चला लें ताकि ये लूज़ हो जाए, और फिर क्योंकि हमने लूज़ बॉटम टिन का यूज़ किया है तो बॉटम को हम ऊपर से थोड़ा सा ढकेलेंगे तो ये हमारा चीज़ केक ईजिली निकल जाएगा। तो चीज़ केक के डेकोरेशंस के लिए मैं इसमें थोड़े से मैंगो के क्यूब्स डाल दे रही हूँ। वैसे ये रेडी है, आप चाहो तो बिना डेकोरेशन के भी इसे खा सकते हो। साथ ही में मैं एस्थेटिक लुक देने के लिए थोड़ा सा इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चीज़ केक बनकर रेडी है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ और आप देख ही सकते हो कि नाइफ़ इसमें कितनी ईजीली से चला जा रहा है। काफ़ी स्मूथ सा इसका टेक्सचर भी आया है। मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीज़ केक रेडी है। अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखाऊंगी और आप देखोगे कि ये कितनी स्मूथली निकल जा रहा है। इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ सा आया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।